कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चे, आज हम लोग जो है पार्ट फोर वीडियो लेके आए हुए हैं, प्रतिसत्ता का पार्ट फोर। स्पेशली यहां पर मैं जो भी प्रश्नों को जो हल जो कर रहा हूं, जैसे पहला पार्ट से सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में, उसमें हम क्लास सेवेंथ के प्रतिसत्ता चैप्टर को लिए हुए हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट बने करते हैं सेवेंथ और एट के दोनों बच्चों को, ये जेसीईआरटी के बुक में प्रतिसत्ता जो है क्लास सेवेंथ और एट दोनों क्लास में दिया गया है। सेवेंथ में कुछ बेसिक चीज है और एट में कुछ उसका एडवांस फॉर्म है। इसलिए सेवेंथ और एट दोनों के बच्चों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग दोनों इस वीडियो को ध्यान से देखें। क्लास एट के बच्चे भी यदि कॉन्सेप्ट क्लियर यदि कर लेते हैं तो आपको जो है क्लास एट के क्वेश्चन को बनाने में भी सहूलियत होगा। बच्चे, हम बाद में जो है क्लास एट के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रतिशतता से रिलेटेड, उसको मैं अलग वीडियो में उसको अपलोड बने करूंगा, आप उसको भी मैंने देख लेंगे। तो बच्चे, आज हम लोग क्लास सेवेंथ का जो प्रतिशतता जो है, जो आठवीं अध्याय में है, प्रश्नावली 8.1, उसका क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर आए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कि दिए गए आकृतियों के रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए और इन भिन्नों को प्रतिशत रूप में लिखिए। और लोग बच्चे, इससे पूर्व में जो भिन्न के बारे में जो पढ़े प्रतिशत के बारे में, उसमें जैसे कोई भी भिन्न दिया हुआ है तो उसको लोग कैसे प्रतिशत में बदलना है, या कोई दशमलव भिन्न है तो उसको लोग कैसे प्रतिशत रूप में चेंज करना है। लेकिन आज हम जो वीडियो लेकर आए हुए हैं, इसमें कोई आकृति दिया हुआ है और उस आकृति में से आपका जो रंगीन भाग है या छायांकित भाग है उसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो ये भी बहुत ही आसान बने है। बच्चे, आप इसको ध्यान पूर्वक जो है इसको सुने और देखें और कोशिश बने करें कि आप कॉपी और कलम भी लेके बैठे ताकि आप उसको भी राइट डाउन करते चले जाए ताकि आपको और आसानी बने हो। देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें एक वृत्ताकार एक आकृति बना हुआ, बच्चे एक वृत्ताकार आकृति बना हुआ है और ये वृत्ताकार आकृति जो है 8 बराबर भागों में बटा हुआ है। देखा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 बराबर भागों में बटा हुआ है। अगर आप प्रश्न क्या है कि रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए और इन भिन्नों को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोग पहले गिनेंगे कितने भाग है, तो कितने भाग में गिने, 8 भाग। तो लिखेंगे कि दिए गए वृत्ताकार आकृति में बराबर भागों की संख्या इक्वल टू 8। ध्यान रहे कि ये भाग जो है सभी में बराबर होना चाहिए, तभी हम इसको जो सब भिन्न के रूप में या परसेंट के रूप में चेंज कर सकते हैं। बच्चे, यहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है हमने इधर हो, लेकिन आप मान के चलिए ये सभी जो है सो बराबर ही है, बराबर है। वृत्ताकार जो भाग जो है इसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है। तो हमने यहाँ लिखे कि दिए गए वृत्ताकार आकृति में बराबर भागों की संख्या 8। उसके बाद हम लोग गिनेंगे कि रंगीन भाग कितना है। तो रंगीन भाग की 1, 2, 3, 4 ये हम लोग लिख दिए, रंगीन भागों की संख्या इक्वल टू 4, रंगीन भागों की संख्या 4। तो प्रश्न के मुताबिक जो है हमें पूछा जा रहा है कि रंगीन भागों का भिन्न क्या होगा, रंगीन भागों का भिन्न क्या होगा। तो रंगीन भागों का भिन्न इक्वल टू जितने भाग रंगीन है उसको लिखेंगे ऊपर में अंश के रूप में, और जितना कुल भाग में बांटा गया है उसको नीचे लिखेंगे 8। टोटल कितने भाग है बराबर 8, और कितने भाग रंगीन है 4, 4/8। इसको जो है हम लोग सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे, इसको कटिंग करके 4 × 4, 4 × 2 = 8, यानी 1/2, यानी 1/2 भिन्न जो है वो आपका रंगीन, यानी 1/2 कहने का मतलब क्या है, आधा। आप ऐसे भी देखिए कि टोटल कितने भागों बटा हुआ है, 8 भागों बटा हुआ है, उसमें कितने भाग रंगीन है, 4 है, यानी 8 का आधा 4 जो है वो रंगीन है, यानी 1/2 भाग जो है वो रंगीन है। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन का पहला पोर्शन क्लियर हुआ कि भिन्न कितना है रंगीन भागों का, भिन्न 1/2। इसके बाद बच्चे, हम लोग उसका प्रतिशत निकालेंगे, कितने भाग रंगीन है उसका प्रतिशत क्या करें। तो रंगीन भागों का प्रतिशत इक्वल टू रंगीन भाग कितना है, 1/2, 1/2 को हम लोग परसेंट के रूप में चेंज करेंगे। तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि कोई भी भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए उसके हर को हमको 100 बनाना होता है। इसे 2 को 50 से गुना करेंगे, 2 × 50 = 100, तो यहाँ पर अंश को भी गुना करना होगा, 1 × 50 यानी 50/100। तो जब हर मेरा 100 हो गया तो उसका अंश जो है ऑटोमेटिकली जो है वो परसेंट के रूप में व्यक्त होगा, यानी कि 50%। तो इस तरह से बच्चे, मेरा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया 1/2 और 50%, ये मेरा आंसर हो गया, यानी रंगीन भागों का भिन्न कितना हो गया 1/2, और रंगीन भागों का प्रतिशत कितना हो गया 50%, 1/2 और 50%, ये मेरा आंसर हुआ इस पहले क्वेश्चन का। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो
तो दूसरे क्वेश्चन में देखे बच्चे, यहां पर एक आकार आकृति है जो वर्गाकार है, वर्गाकार आकृति है, और ये कितने बराबर भागों में बटा हुआ है? ये चार बराबर भाग बटा हुआ है, एक दो तीन चार, ये चार बराबर भागों में बटा हुआ है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि दिए गए वर्गाकार आकृति में बराबर भागों की संख्या इक्वल टू चार। फिर यहां पर देखेंगे रंगीन भाग कितने हैं, तो रंगीन भाग एक है, तो रंगीन भागों की संख्या इक्वल टू एक, रंगीन भागों की संख्या इक्वल टू एक। अब हमको देखना है कि रंगीन भाग का भिन्न क्या होगा, तो रंगीन भागों का भिन्न, रंगीन भागों का भिन्न इक्वल टू जितना भाग रंगीन है उसको लिखेंगे अंश के रूप में, और जितने भाग बराबर भागों बांटा गया उसको नीचे लिखेंगे। तो कितने बराबर भाग बांटा गया है? चार भागों में, इसलिए एक बटा चार जो है रंगीन भागों का भिन्न होगा। हम लोग बच्चों देखते हैं, जब परीक्षा जब लिखते हैं तो हमारा 100 पूर्णांक का यदि एग्जाम होता है उसमें यदि कोई स्टूडेंट 70 नंबर लाता है तो सर या मैम जो है उसे कॉपी में क्या लिखते हैं? 70/100, यानी आपने जो नंबर जो है उसको प्राप्त कितने किए? 70। कितने में से? 100 में से, इसलिए 70/100। यहाँ पर भी वही मतलब फंडा यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि टोटल रंगीन भाग कितना है? एक है, और टोटल कितने भाग है? चार, इसलिए 1/4 जो है वो भिन्न हो गया रंगीन भाग का भिन्न। इसको फिर हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करेंगे, तो रंगीन भागों का प्रतिशत इक्वल टू 1/4। यहाँ पर जो हर जो है वो चार है, इसको हम 100 में बदलेंगे, चार को 25 से गुना किए तो इसी तरह से एक को भी हम 25 से गुना करेंगे, तो 25/100। तो नीचे हर हो गया 100, तो ऊपर का जो अंश जो है 25 वो प्रतिशत रूप में व्यक्त करेंगे, तो 25%। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो हुआ 1/4 और 25%, ये मेरा आंसर मैंने हो गया। बच्चे हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको ऐसे मिटा लेते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग जो है थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए आकृति को, तो थर्ड में क्या चीज है कि तीसरा में एक आयताकार आकृति है, ये क्या आकृति है? आयताकार है, लंबाई दोनों साइड का जो लंबाई है बराबर है, चौड़ाई के बराबर है, यानी आयताकार आकृति है। तो इसमें लिखेंगे कि दिए गए आयताकार आकृति में बराबर भागों की संख्या इक्वल टू कितना भाग में है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 बराबर भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ बच्चे? ये 10 बराबर भागों में बटा हुआ है। अब इसमें हमको देखना है रंगीन भागों की संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4 रंगीन भागों की संख्या इक्वल टू 4। तो आपको निकालना क्या है? रंगीन भागों का भिन्न, रंगीन भागों का भिन्न, रंगीन भागों का भिन्न कितना हो जाएगा? जितना भाग रंगीन है वो 4 है, टोटल कितने भाग हैं? 10 है। इसको हम लोग सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे, इसको कैंसिल कीजिए, 2 × 4, 2 × 5, 10, यानी कि 2/5 जो है इतना भिन्न हो गया, यानी रंगीन भागों का भिन्न कितना हो गया? 2/5। अब रंगीन भागों का प्रतिशत तो मेरा कितना है? 2/5। आप प्रयास कीजिए कि नीचे हर मेरा कितना है? 5 है, 100 बनाएंगे तो 5 × 20, यहाँ ऊपर में भी हमको इसको 20 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 40/100, यानी कि ये 40%। इस तरह से हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा रंगीन भावों का भिन्न 2/5 और रंगीन भावों का प्रतिशत 40%। इस तरह से बच्चों आज हम लोग जो है वही दिए हुए आकृति जो है उसको यदि कलर किया गया है, छायांकित किया गया है, या उसको रंगीन किया गया है, तो उसका प्रतिशत हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, इसको हम लोग निकालना सीख गए। इस तरह से बच्चे आप जो भी मैंने प्रश्न जो दिए हुए हैं आप किताब में जो है उसको हल करने की कोशिश करें। और बच्चे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को, ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म का जो चैनल है जो हमारे DC महोदय सर ने इसको मैंने क्रिएट किए हैं, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद के मैंने पात्र हैं,
इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह आने वाला दिन में जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो। इससे हमारे झारखंड के बच्चे भी लाभान्वित हो, रामगढ़ के बच्चे तो लाभान्वित हो ही रहे, इसके साथ साथ आने वाला दिनों में जो है पूरे झारखंड के बच्चे भी इससे लाभान्वित हो। ठीक है बच्चे, इसके साथ हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।